दोस्तों करी है पुलाव की तैयारी। ओह मेरा दूसरा वाला घी कहाँ गया? ओह ये रहा, ये मेरा थोड़ा सा रह गया, इस बेचारा फ्रीज्ड ही था तो इसको मुझे ख़त्म करना है। ये पहले यूज़ करेंगे। ये मैंने पनीर मैरिनेट करके रखा है, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, लहसुन है। गुरु जी को प्रसाद की सब्जी है तो अब इसको तो नहीं फेंक सकती, तो मैं इसको राइस में मिक्स करके बना दूंगी। और यहाँ है मेरे भीगे हुए राइस, और पिताजी के लिए यहाँ मैंने चने उबाल के रखे हुए, उनको ब्लैक चने खाने को उनका बड़ा दिल था। जीरा, चावलों में जीरा डालने के लिए क्रेजी हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा। गैस को कर देंगे एकदम स्लो। अभी तो प्याज ही गए हैं, मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि मैं किचन में हूँ, कहता कि खाना दे देगी। डालेंगे लहसुन, बढ़िया से खुशबू आ गई, और साथ के साथ डाल देंगे टमाटर। इसको पानी से धो लिया जाए। मैं मम्मी से मुझे आदत है कि हर चीज़ धुली हो साफ हो एक बारी ज़रूर धो लेनी चाहिए। थोड़ा सा 5 मिनट इसको ऐसे सॉफ्ट होने देंगे। हींग वाइन डालेंगे, ओह गलत हो गया, डालेंगे नमक थोड़ा सा, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी। शक्ल देखो कितनी बढ़िया आ गई है। अब इसके अंदर डालेंगे हम अपना मैरिनेट वाला पनीर, ये मैंने दही के साथ करा है। ओह एक रह गया मेरा, अब कर देंगे गैस तेज। जब थोड़ा सा ये ऑयल निकाल दे कर्ड, फिर हम आलू की सब्जी डाल देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पकी हुई है ना। इसका अलग ही फ्लेवर आता है पुलाव में, ये बीच की बहन है, पुलाव और बिरयानी की जो बीच का है ना, ये बहुत चीज़ है। जय गुरु जी। अब एक बॉईल के बाद हम डाल देंगे राइस और लगाएंगे 2 सीटी। दोस्तों पक्की हाउसवाइफ हूँ, अपने हस्बैंड का 50 पैसा भी वेस्ट करूँगी। देंगे सारे मिक्सचर को लपेट के डाल दिया। करेंगे चने की तैयारी। सूखे चने बनाऊंगी तो आई प्रेफर सरसों के तेल में, सड़ा रही हूँ। देगी मिर्च, हल्दी, हींग, जीरा, नमक, 3 टमाटर, 3 मिर्ची और 3 प्याज, और साथ में 1 लहसुन। दोस्तों इतनी गजब के बने हैं ना, मैं क्या गाइस। सुबह सुबह मुझे मेरे हस्बैंड ने जख्मी करा है, हॉस्पिटल आए हैं। इसके किसी के पैर पे लग गई है, पाँव पे लगी, किसने मेरे हस्बैंड ने मारा। तो ये सारा ब्लड क्लॉट हुआ है। हम ऐसे मटर कश्ती कर रहे थे और दरवाजा ऐसे हो गया। तो वैसे तो ठीक है, डॉक्टर ने बोला सिर्फ पेन के ले रहे, बस सिर्फ एक एक्सरे करा लेते हैं, सेफ रहेंगे। दोस्तों आई लव माई हाउस, मतलब इतनी गर्मी थी एक दिन पहले, मतलब पूरे 2 हफ्तों के लिए ऐसा बुरा हाल था कि मैंने और गौरव ने डिसाइड करा कि हमको 2 AC और चाहिए, ड्राइंग रूम में एक और डाइनिंग में एक। सोचो और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करना है ना, दवाई खाइए। और सोचो कल ही हमको कोटेशन आई है और आज इतना अच्छा मौसम है कि सिम्बी मेरी बाहर सो रही है। फैन नहीं चलाया मैंने कहीं का भी, देख रहे हो अपने कमरे का भी, इतनी हवा चल रही है। आई जस्ट लव इट। कैमरा मैंने पॉपू के लिए खोले और कुछ नहीं, तो भाई साहब पत्ता उठा के लाए हैं बालकनी से। हैं पोपे जी, क्यों और है, पत्ते का क्या करेगा, गुड बॉय बना। मैं नाइन नहीं करके शक्ल दिखा दी मेरे दोस्तों को। ओए ओ चिक्की आ गई, चिक्की आ गई, चिक्की आ गई। इतनी जल्दबाजी में मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, इतना गंदा लग ही नहीं रहा कि मैंने बनाया। उपमा बनाया, पथेटिक बना, जैसे लग रहा है ब्ला ब्ला ब्ला। दोस्तों मैंने आपको बोला ही था और देखो यहाँ काम भी शुरू हो गया। मेरे घर की हालत देख रहे हो, ये सारा सामान, ये आज ही बस वो वायर वाले आ जाएंगे तो हमने सारी तैयारियां कर ली है। टन टन, 1 AC हम यहाँ लगवाएंगे। ये क्यों करें, फ्लैट वालों ने सिर्फ यही 1 कनेक्शन दिए थे बाकी रूम में, तो हमको लग रहा है कि हमको AC की जरूरत है। 1 यहाँ AC लगाएंगे और 1 लगाऊंगी मैं यहाँ पर, ताकि डायरेक्ट मेरी किचन में भी आ सके। और मैंने पूरी तैयारी भी कर ली है, यहाँ बनाई है मैंने मैक्रोनी सारे डे के लिए, इधर है धनिया इसके अंदर डालूंगी। गौरव इज देसी बॉय तो उसके लिए हॉटकेस में रोटी चने कल बनाए थे तो वो भी हॉटकेस में डाल दूंगी। मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट भी बना के रख लिया ताकि मुझे जरूरत ना पड़े। और ये मेरे पिल्ले, मेरे पिल्लों को पिताजी की ड्यूटी है, वो खाना देंगे। दोस्तों यहाँ डिस्कशन चल रही है, यहाँ से ऐसे जीरी जाएगी यहाँ तक चिमनी भी, चिमनी तो चलो निकल जाएगी लेकिन AC की वो है पाइप, तो वो स्लांट होती है, देखो क्या होता है। सिम्बा एज यूजुअल पाई पाई कर रहा है सबको। ये थोड़ी सी वो चल रही है, करो करो जाओ बार बार वो कर दो। मेरे बच्चों को पता है, स्पेशली पप्पू को है। सिम्बी बुलाने का मतलब ये नहीं है कि तू इसे बेइज्जती करे। चलो गेट इन, दिखाओ मेरे दोस्तों को कि सिम्बा इज अ गुड बॉय। सिम्बा गेट इन, काम चल रहा है ना, ऐसे करेगा, बाय
देखो बेइज्जती करा दी सिम्बा तूने फर्स्ट टाइम, साइड हो जा। दोस्तों जोरों शोरों से काम चल रहा है, तोड़ने तोड़ने का काम। डैड इज आल्सो हेल्पिंग देम। ये बात ही करते। अब बस पाइप्स लगने रह गए, पाइप्स और सीमेंट। ओह ये पूरा करवा दिया तूने, इतना वो है चिच्चर। यहाँ तक भी हो सकता था, फिर यहाँ पर हम दूसरी लगा सकते थे पाइप जो विजिबल हो। कितना विजिबल क्यों रखनी, सब अंदर ही ठीक है। तो मेरे वाइपर खराब कर देगा, कोई हो जाएगी। चलो अंदर चलो, गुड बॉयज, मम्मा की गुड बॉयज। हाँ मम्मा बेटी जिम्मी एसी चल रहा, फिर भी तू हाफ हाफ पफ कर रहा है। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आ जा आ जा, जम्प 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 माई लव। ओह ताकत चाहिए, जम्प जम्प। ओह एक तार तो पॉपकॉर्न खराब कर चुके हैं। नॉनसेंस, दूसरी तू कर दे। आई लव यू माई लव, ये वायर है, इसी से तो मम्मा काम करती है। आई लव यू माई लव, आई लव यू माई लव। अब नीचे उतरना, नीचे उतरना है, बस इसको यही काम है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना है। ये नीवे बेड मैंने सिम्बा के ही बनवाए हैं सारे, ताकि सिम्बा ऊपर नीचे जाता रहे। जाओ चलो उतरो फिर, उतरे घर नहीं उतरना। देखो देखो ये देखो पप्पू ने क्या करे, अपना डब्बा लेकर आया है खा कर। और ये देखो, ये देख रहे अपनी तरफ से तो अगला खा लिया, यहाँ से शुरू करा था। चिम्पी गुड बॉय ने फिनिश कर दिया और खाली डब्बा ऊपर लेकर आया कि मम्मा फिनिश हो गया। हमेशा ऐसे ही करता है। मूछें दिखा दे अपनी सबको। दोस्तों मेरी पेट्रोल की टंकी एकदम फुल है और डैडी गुड बॉय की तरह सारे रास्ते कलपता हुआ आया, किसी तरह पेट्रोल किसी तरह पेट्रोल। तूने डलवाया? चौबीस की गाड़ी में बैठो पहले पंप आना पड़ता है। और नहीं तो तूने डलवाया था? थैंक्स कैरी, थैंक्स ब्रो। पैसे मत बताया, पैसे डैडी ने मना कर दी, पैसे दिख भी नहीं रहे, तेरा हाथ ही आया था सिर्फ। दोस्तों मेरी लाइफ का यही कड़वा सच है, बस तू मेरे बिल्स पे कर देता है ना तो तभी मैं रह रही हूँ तेरे साथ। अभी ना ये कुछ गाना सुन रही थी, क्या था वो गाना? यार वो तो मैंने कैमरा ऑन ही नहीं करा था, मैं इतने सुर में गा रही थी। क्या था गाना वो? गाना क्या? कैसे तू इतना जरूरी हो गया? गाना है कहता पैसों से यार, मैं कितने फील में गा रही थी यार। दोस्तों ये मेरा इतना लकी बैग हो गया, मतलब जब से लाइफ में आया मतलब एक्स्ट्रा यूज होने लग गया बेचारा। अब मैं लड़ती कि मैं कहाँ यूज करूंगी, अब तो मैं कहीं जाती नहीं, कुछ नहीं होता। बहन आधी रेडी है, कुर्ता डाला है और साथ में डाला है नीचे प्लाजो, मेकअप करना है। डैडी ऐसे ही हैं, शॉर्ट्स के अंदर जा रहे हैं गौरव के फ्रेंड के वहाँ डिनर पे। पहले जाएंगे गौरव के घर, मतलब मेरी लॉस पास, फिर वहाँ गौरव जाएगा अपना हेयर कट लेगा। इसलिए मैं इससे कोई पूछू अपना हिस्सा राइट ऑफ कर दूंगा। ये आपको सुना इसलिए मैं इसको बोलती हूँ ये है सनकी। हाँ है तो है, भूल दिया मैं क्या बात कर रही थी। ये है इंडियन मर्द बेटा, बुला दिया मैं क्या बोल रही थी। सब कुछ लेकर आई हूँ, काजल, आईब्रोज, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, रबर बैंड और क्या एक और चीज बोली थी, इयर रिंग्स, वो भी लेकर आई हूँ। तब तक डैडी नहाएंगे, अपना हेयर कट लेंगे, एक घंटा पहले जा रहे हैं नया से चिट चैटिंग करने। बस यही अपडेट देने के लिए आपको फोन करा था, और बाकी तो डैडी ने ऐसे ही वो कर दिया व्लॉग। हैंडसम लग रहे ऐसे, बाल लंबे कर लिए ना तूने, क्योंकि किरण अभी कटवाने चला जाएगा। इतना शरीफ हस्बैंड आप सबको मिले।
पता चल, आप भी स्वाद लो। भाई तू नहीं भाई, ठीक है, कंट्रोल। इतना लकी नहीं है कि सबके पास बटता हुआ जाए, ठीक है। देख रहे हो ये गेरी मेरी तो लव स्टोरी है ही नहीं कोई यार, एक ही बॉयफ्रेंड मिला, एक ही हस्बैंड, लव स्टोरीज तो इसी की होंगी। जो मेरी लव स्टोरी तेरे साथ है उसमें बात करनी, समझ गई ना, मैं बताऊंगी आगे पीछे सब बताऊंगी। लव स्टोरी क्या, आपको अभी तक अपना घर ही नहीं दिखाया, घर मेरा पूरा सच सवर गया, दुल्हन बन गया। डैडी को उतारा है मैंने कटिंग वाली जगह और यहाँ से बाय वॉक ही करवा दी। दोस्तों चाची के रूम में आई हूँ और घड़ी लगाई है आते ही, मेरा आईब्रोज, रबर बैंड, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, आईब्रो पेंसिल और काजल। बेस बहन ने कुछ लगाया नहीं है, क्रीम लगाई थी बस, बहुत है, ड्राई हो रही थी तो इसलिए लगा ली थी। तो चलो रेडी होते हैं। इधर भी शीशा है चाची पास और इधर भी शीशा है चाची पास, जहाँ मर्जी हो सकते हैं। रेडी, फैनिंग दरवाजा बंद, एसी का 24 टेम्परेचर है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको तो वो हो ही नहीं रहा। हो गया पहले लगाएंगे आईब्रोस करते हैं। हाँ गौरव, पड़े हुए रूम में देख रहे हो कैसे चला रहा है, दूसरे कमरे से आवाज, बू क्यों चिल्ला रहा है जी। देखो ये लड़का इतना चिल्लाता है, सिर्फ शोर मचाना इसको आता है। मैं आ गई दोस्तों अपने कमरे में, ओ ये देखो मेरी माँ के चरण, जय जय। ये पता नहीं, देखो देख रहे हो कहाँ से ये मुझे पिंपल हो गए, पिंपल दाना भगवान जाने। तो देख रहे हो ये भी मेरे चांदी के हैं, हरे रामा हरे कृष्ण लिखा हुआ इसके ऊपर। और मेरे सारे जितने भी ऐसे इयररिंग्स में डालती हूँ 92.5 सिल्वर के होते हैं। ये रस्ते में ही डाल लेंगे, ये निकालेंगे, वो चाची का है, ये होगी, चलो हाफ होगी। इसकी चाबी भी रखेंगे क्योंकि हमने पैदल ही जाना पीछे ही है। घड़ी, लाइट ऑफ, चलो फैन ऑफ और ये ऑफ। अपनी वाइफ को बैग पकड़, ये मुझे दे देना, थैंक्स। तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। और हमारी होस्ट अभी आई है, मान लो खाना लेकर। ये बहुत अच्छे हैं, वो तो ये बड़ा अच्छा है, ऑनलाइन मंगवाया था स्विगी से, नहीं ब्लिंकिट से। बचपन में खाए आप सबने, हम इतना खाते थे ये। फ्रेंडशिप है, मैं लेकर आई हूँ, मुझे पैक भी कर दे रही है। मैंने बहुत मना करा लेकिन मैं तो चलो मीठे के पीछे हुई हूँ। तो हमें बेस तो मिल गया, अभी फॉइल काम आएगा, इंडियन भारतीय नारी। लाइटें देख रहे हो कितनी मस्त एपिक लगाई है, आई लव माय सोसाइटी। चलो चले, फाइनल गुड नाइट, कल मिलेंगे। क्या बोलते हैं, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ना ध्यान रखो। कैसे भी है, बढ़िया खाना खा रहे थे, इधर से बोल रही हूँ। गाड़ी भी है इधर सामने लगाई, तो खड़ी थी ना दूसरी गाड़ी। हाँ भैया बाहर ही है लगा रहे।